नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको जो दिल्ली में डी ट्रिपल्स के माध्यम से टीजीटी पीआरटी और नर्सरी टीचर की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, तो उसके चलते आपके एलिजिबिलिटी को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कुछ लोग बोल रहे सर उन्होंने बीकॉम कर रखे हैं, कुछ बोल रहे हमने बीटेक कर रखे हैं कि हम टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले बोल रहे हैं हम सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैथ्स के सब्जेक्ट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपको मैं इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित बिल्कुल डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, और चाहे हम बात करें टीजीटी की, पीआरटी की या फिर नर्सरी टीचर की। ठीक है, तो तीनों की मैं बिल्कुल आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। बाकी दोस्तों, स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो कि सभी के लिए कॉमन है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने बीएड कर रखी हो, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ये दोस्तों तीनों साल के, मान के चलो फर्स्ट ईयर में आपके कम ना मार्क्स है, सेकंड ईयर में ज़्यादा है, मतलब 42 मार्क्स मान लो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 55 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल तीनों साल के मिला के आपके जो फाइनल डिग्री आएगी आपकी, उसमें अगर आपकी परसेंटेज है, जो आप वैसे तो 2 साल मांगे इन्होंने, ठीक है, तो उसमें जो आपकी परसेंटेज है वो कम से कम 45% होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 45% नहीं है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो जो एलिजिबिलिटी 45% वाली है ख़त्म हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने बस अपनी ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर रखी हो, परसेंटेज की कोई डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी को छूट देखने को मिली जाएगी 5% की SC ST को, बाकी जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, अब बीएड की जब हम बात करते हैं, तो वैसे तो दोस्तों बीएड बस आपकी होनी चाहिए, इसमें ये नहीं पूछा कि आपके सब्जेक्ट वगैरह क्या है, नोटिफिकेशन में तो केवल बीएड का ही आपको बताया गया। अब जो मेन चीज़ है सीटेट की बात करते हैं, अब सीटेट में दोस्तों क्या होता है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर हम साइंस के टीचर बनने वाले हैं, लेकिन जो हमने सीटेट क्वालिफाई करा था उसमें हमने SST ली थी, क्योंकि आप जानते हैं जब सीटेट पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो निश्चित विषय होते हैं, लेकिन ऑप्शनल कहाँ जाते हैं आपका सीटेट पेपर 2 में, या तो आपको मैथ साइंस लेनी होती है या फिर SST लेनी होती है। तो कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे सर हम साइंस के टीचर बनने वाले हैं, लेकिन हमने सीटेट में साइंस ली नहीं, हमने SST ली, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, चाहे आपने कोई से भी सब्जेक्ट से सीटेट क्वालिफाई करा है और आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बन रहे, बस आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और अब मेन चीज़ आ जाती है दोस्तों जब रिजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, चाहे देखो अब दिल्ली में जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, इसमें क्या है, जर्नल SC ST, चाहे आप दिल्ली के हैं या फिर दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी, आप जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, SC ST तो SC ST में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जर्नल तो आप जर्नल में करोगे। ठीक है, जैसे अदर आप रिक्रूटमेंट देखते, जैसे यूपी में अभी निकली थी टीचर्स की, अगर यूपी से बाहर का कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का है तो उसे जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना होता है, लेकिन दिल्ली के केस में ऐसा नहीं, अगर आप SC ST है तो आपको SC ST कैटेगरी में ही फॉर्म भरना पड़ेगा, जनरल है तो जनरल भरना पड़ेगा। अब ऐसा भी कुछ नहीं कि भाई जो दिल्ली का मूल निवासी उसे ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ छूट देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं, जो मार्क्स जो भी मतलब सुविधाएँ दिल्ली वालों को देखने को मिल रही है एग्जाम के नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो जितने मार्क्स उतने उसको मिल रहे हैं दिल्ली वाले को, उतने ही आपको मिलेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो 20% एक्स्ट्रा रहेंगे, उन्हें डोमोसाइल का फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चाहे दिल्ली के बाहर जर्नल SC ST का मैंने बता दिया। OBC कैटेगरी की जब बात करते हैं, तो दोस्तों OBC में केवल वही कैंडिडेट काउंट होंगे जिनका OBC का सर्टिफिकेट दिल्ली से बना है, अर्थात जो दिल्ली के मूल निवासी। ठीक है, अगर बाहर के, दिल्ली से बाहर के अगर आप हो, तो अगर आप OBC कैटेगरी से अप्लाई करोगे तो आपको जनरल में करना पड़ेगा। अब पंगा यहाँ पे क्या बैठ जाता है दोस्तों, आपका बैठ जाता है सीटेट को लेके। अब चाहे हम पेपर 1 की बात करें, जो कि PRT के लिए आपसे डिमांड की गई, नर्सरी टीचर के तो चल अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उसमें डिमांड नहीं की गई, और आपकी TGT के लिए पेपर 2 की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आप दिल्ली से बाहर के OBC हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में इधर फॉर्म फिलअप करोगे, जो कि करना ही पड़ेगा, तो सारे के सारे रूल रेगुलेशन वही आपके साथ फॉलो होंगे जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपको फिर सीटेट में 90 या 90 से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने OBC कैटेगरी में सीटेट क्वालिफाई करा है, अगर आप दिल्ली के मूल निवासी, तो ठीक है, फिर तो आप OBC कैटेगरी में अप्लाई करोगे, आपका काम चल जाएगा, लेकिन दिल्ली से बाहर के आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे, अगर आपके सीटेट में 90 से कम नंबर है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर हम BLED कर रखे हैं कि हम TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों BLED जो इन्होंने मेंशन कर रखा है वो TGT में नहीं है, वो PRT के लिए है। ठीक है, तो PRT में BED वाले इन्होंने मेंशन कर रखा है, और जब हम PRT की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों PRT में BED वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया तो उसमें तो BED वाले अभ्यर्थी PRT के लिए एलिजिबल थे, तो नहीं है इस रिक्रूटमेंट में। बाकी इस पर मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो PRT के लिए आपके पास 12 तो आप पास कर ही लोगे, और बाकी मैं अभी आपको थोड़ी देर में और बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना, DIIT, JBT, BTC इत्यादि, अगर आप स्पेशल वाले तो भी आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं।
और दोस्तों इसमें एक और बात है, अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जिनकी डिग्री या डिप्लोमा अभी कंप्लीट नहीं हुआ जो फाइनल ईयर में, वो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हार्ड कॉपी आपके पास हाथ में हो रिजल्ट की ना हो, बस आपको आपके मार्क्स पता होने चाहिए, मतलब जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा क्वालिफाई करा उसके टोटल आपको मार्क्स पता होने चाहिए, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। और जो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है ना, अभी तो जो भी इसमें दे रखी है वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना आजकल की रिक्रूटमेंट में ना एक्सटेंड कर देते हैं, तो अगर ये एक्सटेंड करते हैं, वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं डीटर प्लस भी एक्सटेंड करे अपनी डेट को, लेकिन फिर भी अगर कर देते हैं तो दोस्तों जो भी लास्ट में होगी ना, मतलब जब भी आपका चाहे कितनी भी एक्सटेंड करते हैं तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल होते हैं। और जो इसमें सब्जेक्ट वगैरह मांगे वो 2 साल के लिए मांगे होते हैं, ठीक है, वो भी थोड़ी देर आपको बता दूँगा। और दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि जिस दिन लास्ट डेट है उससे थोड़े दिन ही पहले अप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके इस रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में आपका इनका सर्वर डाउन चले जाता है, फिर आपको समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी भी तो आप खाली हो तो अभी अप्लाई कर दो, ठीक है, लास्ट का पंगा मत पालना आप। और जो SC ST कैंडिडेट हैं, हालांकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सेंट्रल वाला बनवा लेना, उनका बड़ी आसानी से बन जाएगा अगर उनके पास उस स्टेट वाला SC ST का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी हो तो आपको पता होगा बड़ी आसानी से बन जाता है। और दोस्तों मेन बात ये कि ना आप ना खुद से फॉर्म भरना, ठीक है, ये बिल्कुल मेन बात है। आप एक शिक्षक बनने वाले हो, स्पेशली जब वुमेन कैंडिडेट की बात करता हूँ तो उनके मैक्सिमम चांस होते हैं तो कैफे पे जाते हैं, फिलहाल कैफे पे जा नहीं सकते हो, ठीक है, तो भाई वगैरह से भरवा लेते हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे, आप ना अगर खुद का फॉर्म भर रहे हो तो खुद भरना बिल्कुल, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें चेकआउट करके भर सकते हैं, या फिर आप एक काम करना, जिससे भी आप फॉर्म भरवा रहे हो उसे अपने साथ बिठा लेना, लेकिन फॉर्म आपको खुद भरना है, ताकि अगर आप कोई गलती करो तो आपको टोक देगा, लेकिन कोशिश करना आपको फॉर्म खुद भरना है। क्योंकि अगर आप अभी फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हो दोस्तों, तो आगे तो अगर आपकी जॉब लग गई, आगे स्मार्ट टीचिंग का ज़माना है, उसमें तो सारी टेक्निकल चीज़ें होंगी, ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर फिर समस्या तो देख लो, उस टाइम तो आप सर्वाइव कर लोगे जैसे जैसे करके, लेकिन छोटी सी चीज़ होती है, फॉर्म आप खुद भर सकते हैं। और इसमें एक ये भी बात है, अगर जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अदर क्वालिफिकेशन जब भी डालना, जब आपकी कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपस में क्लैश ना हो, आपस में मैच ना हो, मतलब उसी साल आपने वही कोई सी डिग्री करी उसी साल आपने दूसरी करी, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको समस्या देखने को मिल जाएगी। इससे बढ़िया होगा कि आप अदर क्वालिफिकेशन डाल लेना, लेकिन अगर आपका क्लैश नहीं हो रहा तो फिर आप अदर क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये है जो ये रिक्रूटमेंट निकली है, इसमें मैंने अपने अनुसार तो आपको सारी की सारी सही इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब इसमें ना थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, जो ये जो सब्जेक्ट इन्होंने दे रखे हैं नोटिफिकेशन है, बाकी नीचे मेंशन भी करके रखते हैं जो RR है, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत आपको सब्जेक्ट अलग देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने अपने अनुसार दोस्तों आपको सही जानकारी दिया, कि बाकी फिर भी अगर कोई समस्या हो जाती तो अपने से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जानकारी है, नहीं तो काफ़ी लोग हैं ऑनलाइन निकाल लेते हैं, अगर किसी टीचर का जिस भी सब्जेक्ट में आप टीचर बनने वाले हैं उसका अवेलेबल हो इंटरनेट पर नंबर, तो उनसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब समझाने की शायद से आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो गुस्सा करे ना करे वो उनके व्यक्तिगत स्वभाव के ऊपर बात है, मतलब जिस भी टीचर से आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें जानते नहीं, ठीक है, तो आप जानकारी के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जो छात्र जीवन होता है ना, तो उसमें दोस्तों अगर आप कहीं भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, बाकी मैंने अपने अनुसार दिए, बाकी फिर भी कोई पंगा बैठ जाए तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, मुझे बिलीव मत करना। और इधर आप TGT में कहीं भी देखोगे तो इधर लिख रखा है TGT में डिग्री और डिप्लोमा, आप इधर देख सकते हैं नंबर 2 पे लिख रखा है। तो डिप्लोमा का तात्पर्य दोस्तों यहाँ उससे नहीं है, जैसे आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में DIET GBT BTC इत्यादि का रखा है, ठीक है, TGT के लिए तो आपकी केवल डिग्री ही चलेगी, यानी BAD चलेगी, ठीक है। तो डिप्लोमा का मतलब इधर GBT DIET BTC यानी कि DLED से नहीं है। और दोस्तों इसमें ऐसा भी होता है, मान के चलो आपने फॉर्म भर दिया, आप आराम से अपने रिलैक्स बैठे हो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है डीटर प्लस भी दोबारा से आपसे बोल देते हैं कि भाई सिग्नेचर और अपनी फ़ोटो दोबारा से अपलोड करो, ठीक है, या फिर और कुछ एडिट वगैरह करने के लिए बोल देता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपने नहीं करा तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो आप एक्टिव रहो, वेबसाइट को विजिट करते रहो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई भी अपडेट आता है डीटर प्लस बी का तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए अब मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से और जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब आपका सब्जेक्ट वाइज मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो ये कुछ रिक्रूटमेंट आपको पता ही होगा, ठीक है, इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT हिंदी की। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताऊंगा ना, इसमें कुछ तो काफ़ी सारे में सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है, सैलरी वगैरह तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है, सारों की सैलरी वगैरह एज वगैरह तो बताऊंगा नहीं, एक ही बता दूंगा उससे आप समझ जाना। तो चलो मैं वैसी एज बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, जो आपकी एज निर्धारित की गई है दोस्तों, अगर हम PRT की बात करते हैं तो उसके लिए 30 वर्ष है,
और TGT की बात करते हैं उसके लिए आपकी 32 वर्ष है, ठीक है। और जो NTT की बात करते हैं, अब तो खैर इसे दूसरे नाम से जाना जाने लगा, उसके लिए भी आपकी 30 वर्ष है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की मैंने आपको बताई है, और जो OBC का इशू हो रहा, वो जो TGT में इशू हो रहा था, वुमेन कैंडिडेट को पहले 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती थी, दोस्तों अब उसे हटा दिया गया है फिलहाल। आगे कुछ नोटिस लगा के दोबारा से डाल दे तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 32 वर्ष है। और जब हम बात करते हैं उनकी, जो SC ST कैंडिडेट है उन्हें 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी, और OBC को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो गेस्ट पे पढ़ा रहे हैं, अगर कम से कम उन्होंने 120 दिन पढ़ाया हो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की, ठीक है, तो जितने भी साल उन्होंने पढ़ाया होगा, 1 साल पढ़ाया तो 1 साल की एक्स्ट्रा छूट, 2 साल पढ़ाया तो 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, 3 साल पढ़ाया तो 3 साल की मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कम से कम 120 दिन, और जो ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी वो 5 साल तक मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये एज का आपको पता चल गया होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब TGT हिंदी की हम बात करते हैं ना, अब चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों के एक ही है, ठीक है। तो या तो आपके पास BA ऑनर्स हो, ठीक है, आप जिस भी विषय के शिक्षक बनेंगे हिंदी के, मतलब BA ऑनर्स आपने कर रखी है, हिंदी ऑनर्स आपने कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा अगर आपने BA कर रखी है, तो BA में आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। अब हिंदी एलिजिबल जो आपका बताया मैंने इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या, एकदम नहीं, इसके साथ साथ या तो आप पे कोई एडिशनल लैंग्वेज हो, हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी हो, हिंदी के साथ साथ या तो एक एडिशनल लैंग्वेज हो। अगर केवल आपने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज के नाम पर हिंदी पढ़ी है, तो फिर आपको कोई एक सब्जेक्ट आपका स्कूल लेवल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। तो ये दो क्वालिफिकेशन है, हिंदी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने BA कर रखी है, तो BA में क्या होना चाहिए, आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए एक तो, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास या तो कोई लैंग्वेज हो, लैंग्वेज भी नहीं है तो आपके पास कोई स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें दोस्तों परसेंटेज का मैंने आपको बता दिया क्या था, और ये आपके पास कम से कम 2 साल होने चाहिए, ठीक है। पहले 3 साल का एरिया रहता था, जैसे लैंग्वेज टीचर बनते थे, जैसे हिंदी बन रहे तो 3 साल आपके पास हिंदी होनी चाहिए, लेकिन अब इन्होंने 2 साल कर दिया है। BA ऑनर्स हिंदी है तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन BA आपने करा है, ठीक है, BA प्रोग्राम है, BA पास है, जो भी है, तो आपके पास जो मैंने आपको बताया इलेक्टिव सब्जेक्ट ये 2 साल होना चाहिए, और जो स्कूल सब्जेक्ट है ये भी 2 साल होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और ओवरऑल आपकी परसेंटेज का मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों आपने देखा होगा, जो दिल्ली में गेस्ट अगर आप देखोगे तो संस्कृत के टीचर लग जाते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी टीचर बन जाते हैं, TGT हिंदी हो, उसमें क्वालिफिकेशन में यही मांगते हैं ना कि उन्होंने कर रखा हो, ठीक है, तो उन पर एक संस्कृत होती है, एक हिंदी होती है, और दो लैंग्वेज तो वैसे हो जाती, नहीं तो स्कूल सब्जेक्ट। अब स्कूल सब्जेक्ट कौन से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों स्कूल सब्जेक्ट है आपके, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, इतने सारे आपके स्कूल सब्जेक्ट हैं, या तो इसमें से हो और या वैसे हो, ठीक है। तो सिंपल वे में आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों क्या है, जो हिंदी वगैरह संस्कृत वगैरह होते हैं ना, तो इसमें कुछ अलग से डिग्री भी होती है, ओरिएंटल वगैरह हो गए, ठीक है, और ये साहित्य रत्न वगैरह हो गया। तो अगर आपके पास ये भी है, हिंदी साहित्य रत्न, जो भी सम्मेलन वगैरह, ठीक है, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप हिंदी से हो तो आपको इस बारे में पता होगा, ठीक है। संस्कृत में क्या होता है, शिक्षा शास्त्री, सॉरी शास्त्री चला देते हैं, शास्त्री आचार्य, ग्रेजुएशन को उसमें शास्त्री बोलते हैं और मास्टर्स को उसमें आचार्य बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का फर्क होता है, मॉडर्न अगर ट्रेडिशनल वे से करी होती है, परंपरागत, तो उनका यही चलता है, ठीक है। तो उनके केस में भी ऐसे होता है, इधर हिंदी में भी ऐसे कुछ एडिशनल मतलब डिग्री होती है, जो कि आपकी पूरी मान्य रहती है, ग्रेजुएशन आपने हिंदी में करी उसके बराबर, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बताई दिया था 50% का, और ये दोस्तों आपको मैंने बताई दिया, BA आपके पास होनी चाहिए, हिंदी आपको पढ़ानी आनी चाहिए, हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है, हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए जब हम उसकी बात कर रहे हैं, और 2 साल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूँ, तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया हिंदी के बारे में। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन सा गया, हाँ हिंदी है, तो चलो नेचुरल साइंस की बात कर लेते हैं, यानी कि साइंस टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ध्यान से देखना, अब इसमें ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, या तो आपने ओनर्स वगैरह कर रखी हो, पास कर रखी हो, ठीक है, प्रोग्राम भी बोल देते हैं इसे। अब जब TGT नेचुरल साइंस की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपके ये तो सब्जेक्ट होने ही होने चाहिए हरालत में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी और जूलॉजी, इसमें से कोई से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है।
आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो, ठीक है, इधर आप मुझे ये कमेंट मत करना, सर मेरे पास ये वाली डिग्री है, मैंने यहाँ से करा है, ये करा है, वो करा है, ये वाली डिग्री है, टेक्निकल डिग्री, कुछ नहीं दोस्तों। आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इधर दोस्तों मेन मेंशन कर रखा है, ये ध्यान रखना, आपके पास ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में से कोई से भी दो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास इनमें से कोई से दो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो कम से कम दोस्तों इनमें एक तो सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में से, ठीक है, दो है तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है कोई से इसमें ग्रेजुएशन में, कम से कम दो साल, ठीक है, दो आए तो दो भी दो साल, मैंने बताया ना कम से कम दो साल आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तो कम से कम दो साल आपके पास कोई सा भी एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आपके पास और क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एक तो आपने वहाँ से ले लिया, अगर उसके साथ आपके पास मैथ ग्रेजुएशन में इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स है ना, तो फिर आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, या तो उनमें से दो सब्जेक्ट हो आपका, या फिर उसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट हो और एक आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, और ये आपके पास दो साल होने चाहिए तभी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आप ये ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, और तो कुछ है नहीं दोस्तों इसमें खास, वही मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी सारी की सारी वही रहेंगी। अगला देख लेते क्या है आपका, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, आप कमेंट करो सर मेरे पास ये वाली डिग्री, मैंने आपको बता दिया ना बिल्कुल सिंपल वे में, ये सब्जेक्ट दो या फिर इसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम दो साल, और जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी उसमें से कोई से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो RR है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई थी वो वाली लिस्ट, ये बोलते हैं ना RR के अकॉर्डिंग दो साल हो, तो उसके अनुसार मैंने आपको दिखाई थी। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स, अगर TGT मैथ के आप टीचर बनते हैं तो उसके लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अब दोस्तों आप इन्हें इधर चाहे BSc का रखियो, ठीक है, या फिर BA मैथ का रखियो, कुछ भी कर रखा हो, इधर भी दोस्तों आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए गणित, गणित आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं दोबारा याद दिला दूँ, मैं आपको अपने अनुसार बता रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो लिख रखा है वो दोस्तों आपके पास मेन सब्जेक्ट होना चाहिए गणित, ठीक है। आपके पास अगर ये गणित मेन सब्जेक्ट है ना, तो फिर आप इसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एक तो आपके पास गणित होना चाहिए, अगर आपने BSc मैथ कर रखी है या फिर BA मैथ कर रखी है, तो दोस्तों इस केस में घबराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो आपके पास एक तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा आपके पास दोस्तों इसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये दो साल के लिए भी, ठीक है। तो जो दूसरा मैंने आपको बताया, ये जो TGT मैथ के लिए है ये, ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी आपके पास एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो मैथ हो गया, मैथ आपका क्या होगा दोस्तों, मेन होगा बिल्कुल, ठीक है, मैथ आपका मेन हो गया, और बाकी इसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसे रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों ये मैथ मेन हो ना हो, तो दोस्तों इसके लिए आपने एक बार जानकारी ले सकते हैं किसी और से भी, मतलब टीचर वगैरह से, ठीक है, तो उनसे पूछ लेना आप, जैसे भी पूछो तो देख लेना एक बार, ठीक है। RTI डाल दो आप, RTI से भी आपको सारी जानकारी मिल सकती है, ठीक है, 10 रुपये लगते हैं आपके शायद से उसमें, हाँ, तो चाहे वो डाल देना, जैसे भी करो आप देख लेना, ठीक है, और इसके अनुसार ही देख लेना। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, RTI जब भी डालोगे दोस्तों, जब आपका कोई अलग डिग्री है आपके पास, अगर मैथ मेन सब्जेक्ट है या फिर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई अलग आपने डिग्री कर रखी है उसमें आपका मैथ तो है, उसके साथ ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ मेन नहीं है, कुछ दूसरा मेन सब्जेक्ट है, तो उस केस में मैंने आपको बताया है। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें भी दोस्तों वही है, देखो मैं आपको बार बार नहीं बता रहा, जो मैंने हिंदी में आपको बताया था सेम इधर भी चलेगा, ठीक है, वही अगर आपके पास एक डिग्री वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा से तात्पर्य दोस्तों, हाँ, काफ़ी बंदे यहाँ भी कन्फ्यूज हो जाते हैं डिप्लोमा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इधर जो डिप्लोमा लिख रखा है, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, तो दोस्तों डिप्लोमा इधर JBT डाइट BTC ये वाला नहीं है इधर डिप्लोमा, ठीक है, इधर डिग्री ही चलेगी। डिप्लोमा दोस्तों क्या पता कोई BEd को डिप्लोमा का नाम देता हो ना, जैसे कि दिल्ली में अगर कोई करता है तो दिल्ली में उसे डाइट बोल देते हैं, ठीक है, UP से करता है आपका जो डिप्लोमा होता है आप प्राइमरी के लिए, उसे BTC बोल देता है, हरियाणा से करता है वहाँ उसे JBT बोल देते हैं, ठीक है, तो शायद से कहीं ऐसा बोलता हूँ, मुझे तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी पता नहीं, कोई कराती हो डिप्लोमा मतलब डिग्री लेवल पर, तो पता नहीं उसका, ठीक है, तो आप देख लेना इसलिए लिख रखा है। बाकी इधर DLED वाले एलिजिबल हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी टीचर वाला डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, बाकी वही सारी चीज़ें, पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए।
अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहता है वो उसकी देख लेते हैं, सोशल साइंस की। ठीक है, SST के अगर आप टीचर बनते हैं तो SST में भी दोस्तों वही सेम चीज़ है। SST के केस में आपने चाहे ऑनर्स कर रखी है, जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, या BA पास आपने कर रखा है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से कोई से भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कोई से भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और वो भी 2 साल के लिए, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। यहीं पंगा ख़त्म। अगर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इधर ये मेंस रखते हैं RR में, ठीक है, तो RR के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, RR के अकॉर्डिंग तो ये बोल रखा है इन्होंने, इसमें से कोई से दो सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ और सब्जेक्ट भी आ गए। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे कि BCom वाले बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हम एलिजिबल नहीं है TGT SST के लिए, तो इधर इकोनॉमिक्स आ गया आपका और कॉमर्स आ गया। BCom वाले के पास ये होता ही है, कुछ होते हैं दोस्तों जो ले लेते हैं, ये भी आ जाते हैं BCom में कई बार। ठीक है, यूनिवर्सिटी का फ़र्क रहता है, इसका नहीं पता दोस्तों ये कौन से में आते नहीं आते पता नहीं है BCom में, लेकिन ये वाले तो मैंने देखे। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों RR के अनुसार मैंने आपको ये चीज़ बताई है। RR आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो DOE की ऑफिशियल वेबसाइट है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की, NCT ऑफ दिल्ली, वहाँ से आप ये RR डाउनलोड कर सकते हो, रिक्रूटमेंट रूल। ठीक है, तो उधर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके अनुसार तो दोस्तों जो जिन्होंने BCom कर रखा है वो एलिजिबल है RR के अनुसार। ठीक है, तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो एलिजिबल होना चाहिए, बाकी मैंने अपने अनुसार 100% आपको दिए, बाकी फिर भी कोई समस्या हो जाए तो दोस्तों कह नहीं सकता, लेकिन ना के बराबर ही होगी। ठीक है, तो उधर सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा दिए, उसमें से 2-3 तो इधर मिल ही रहे हैं, ये चार सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एडिशनल आ गया। ठीक है, तो अगर RR के अनुसार आपके पास ये भी, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। तो ये मैंने आपको SST का बता दिया। SST को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिस्ट दिखाई थी दोस्तों, ये वाले, अगर इसमें आपके पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो फिर तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये वाले सब्जेक्ट नहीं तो फिर मैंने RR के अनुसार भी जो इधर मेंशन करके रखते हैं ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसके अनुसार आप देख लेना। तो यही था बस दोस्तों इसमें। ठीक है, TGT का तो आपका ख़त्म हो गया पोर्शन शायद से, अब हाँ TGT का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये देख लेते हैं दोस्तों, ये बंगाली वगैरह देख लेना, वही जो मैंने हिंदी की आपको क्वालिफिकेशन बताई है ना, सेम बिल्कुल इधर बंगाली चलेगा। ठीक है, जो हिंदी की बताइए वही बंगाली चलेगा। अब इधर आप देख लीजिए आपका नर्सरी टीचर वाला, अब इसमें क्या है दोस्तों ये देखिए। ठीक है, जो आपकी 12th क्लास है उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, नर्सरी टीचर एजुकेशन का, NTE का। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन दोस्तों 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अभ्यर्थी पूछेंगे जिन्होंने 1 साल का कर रखा है, क्योंकि पहले तो 1 साल का ही होता था, तो उनका क्या होगा, तो भाई उनका तो पता नहीं क्या होगा, इधर मेंशन ही नहीं है, तो इन्होंने साफ लिख रखा है कम से कम 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपने बाद में करा है 2015 के शायद से बाद में करा है, तो 2 ही साल का हुआ है तो आप एलिजिबल हो, अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपने BEd कर रखी है, ये दोस्तों नॉर्मल वाली BEd नहीं है जैसे आप नॉर्मल करते हो, नर्सरी में BEd कर रखी है, तो भी क्या होगा दोस्तों, आप फिर इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। और आपने हिंदी पास कर रखी हो, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट आपने पास कर रखा हो सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि आपने 10th क्लास में हिंदी पास कर रखा हो, ये भी इधर है। ठीक है, बाकी डिज़ायरेबल तो कुछ है नहीं, इसका प्री जो ग्रेड पे है दोस्तों वही चलता है आपका, जो PRT का मिलता है वही नर्सरी टीचर का मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी क्वालिफिकेशन, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, CTET इसमें मांगते नहीं आपसे। अब MCD देख लेते हैं, MCD दो जगह निकली आपकी, एक DOE में निकली, एक साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में निकली है। ठीक है, NDMC में निकली थी शायद, अच्छा ये तो दूसरा है दोस्तों, LDC का ही आपकी रिक्रूटमेंट, वो NDMC में निकली है वो वाली। तो ये असिस्टेंट टीचर है पहले डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन DOE वाली। अब इसमें क्या है, एक तो इसमें मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में, BEd वाले अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो इसमें वही है, सिंपल है, आपने 12th 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, 12th 45% मार्क्स, 2 साल का डिप्लोमा। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। और अगर आपने BLED कर रखा है, ठीक है, BLED पूछ रहे थे बार बार, तो BLED वाले इधर एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में क्या कर रखा है, DLED कर रखा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन,
ठीक है, तो भी आप इसे रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। अब स्पेशल वालों का यहाँ फ़ायदा हो जाता है, जब अगर स्पेशल की रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें केवल स्पेशल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें स्पेशल वाले कर सकते हैं, ठीक है, तो दो जगह कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वाले केवल नॉर्मल वाले में करेंगे, जो नॉर्मल डाइट जीबीटी बीटीसी इत्यादि करते हैं वो नॉर्मल स्पेशल में वो नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी दोस्तों ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है ना, तो दोस्तों जो आपकी परसेंटेज मांगी जाती है, अगर आपकी इतनी परसेंटेज नहीं है, 50% नहीं है आपके, 45 ये नहीं है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके साथ डिप्लोमा कर रखा है तो आपको छूट मिल जाएगी इधर, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर 12th में आपके 50% नहीं है लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ ही साथ 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है, तो भी आप इसे रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और आपने हिंदी उर्दू पंजाबी इंग्लिश सब्जेक्ट है सेकेंडरी लेवल, ठीक है, तो 10th में आपने पास कर रखे हो, ये कोई सी भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास 10th क्लास में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और SST OBC PH वगैरह को इधर दे रखा है कि 5% के क्वालिफिकेशन मार्क्स में छूट मिल जाएगी, जैसे 50 मांग रखे ना तो उधर 45 आपका चले जाएगा। सैलरी वही दोस्तों, एज लिमिट 30 ईयर है, साल है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इधर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी NDMC वाला है, ठीक है, तो इसमें वो ये, ठीक है, 12th आपने पास कर रखी, इधर थोड़ा सा और सिंपल वे में लिख रखा है 12th 50% मार्क्स के साथ SC ST को 5% की छूट। वैसे SC ST को मिलते हैं 5%, के OBC को शायद से 3, लेकिन उन्होंने इधर मेंशन 5 का कर रखा है, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने कर रखी हो, साथ ही साथ 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे ETE बोल दो, JBT बोल दो, डाइट बोल दो, BLED बोल दो, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, उधर दोस्तों 4 लैंग्वेज दे रखी थी DOE में, इधर केवल हिंदी दे रखा है, तो 10th में आपके पास हिंदी जरूर होना चाहिए भाई, ठीक है। CTET आपका इधर भी चलेगा भाई, और कुछ नहीं, कंप्यूटर के आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सैलरी वगैरह सेम है दोस्तों। जो मैंने आपको बताया है NDMC का और जो DOE का, ठीक है, इनमें फ़र्क होता है दोनों में, वैसे तो सैलरी वगैरह दोनों गवर्नमेंट है, लेकिन जो फैसिलिटी मिलती है ना उसमें आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बताऊँ तो DOE ज़्यादा बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, दोनों का बिल्कुल फुल कंपैरिजन करके बता रखा है, फैसिलिटीज़ को लेकर या सुविधाएँ जो भी है जैसा भी है, तो बिल्कुल डिटेल में कंपैरिजन करके बताया कि DOE ज़्यादा बेस्ट है या फिर NDMC या फिर MCD ज़्यादा बेस्ट है। उधर मैंने MCD मेंशन कर रखा है, NDMC हो, MCD हो, EDMC हो, ठीक है, तो वो देख लेना, सारे UK म्यूनसिपल विभाग है ना सारा का सारा, तो उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन करके बताया, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थी, TGT के सब्जेक्ट वाइज दे दिए, बाकी NTT नर्सरी टीचर का भी दे दिया और PRT का भी दे दिया, चाहे PRT MCD की बात NDMC की बात करें फिर DOE की बात करें। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें, बाकी जो भी अभ्यर्थी दिल्ली में PRT TGT या फिर नर्सरी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इस SKCN YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।